अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नकल शाखा, जहां विभिन्न प्रकरणों और राजस्व विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होती है, वह भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की मनमानी का केंद्र बनकर रह गई है। यहां पर दक्षिणा के रूप में कर्मचारियों को बिना भेंट चढ़ाए आपका काम नहीं हो सकता है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। लखनपुर निवासी पेशे से शिक्षक महेंद्र पाल पड़बार के साथ जो कुछ दस्तावेजों की प्रमाणित प्राप्ति करने के लिए वर्ष 2021 से रिकॉर्ड रूम का चक्कर लगा रहे हैं, पर उन्हें अब तक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया सका है। कर्मचारियों द्वारा किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल दिया जाता रहा है। उनकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी की है, जिस पर उन्हें दोबारा आवेदन कर नकल प्राप्त करने की सलाह दी गई है। सर, जब से मेरे माता पिता मेरे गुजर गए हैं, तब से एक भूमाफिया है, हमारे घर के बगल में रहते हैं, राकेश कुमार रजक, जो प्रधान पाठक भी हैं, वो शासकीय कर्मचारी भू भवना में पदस्थ हैं। वो कुछ मतलब आदिवासियों का जमीन हरण करना और कुछ शासकीय ज़मीनों का हरण करना और बहला फुसला के वो अपना नाम से नामांतर भी कराना और दूसरे दूसरे के ज़मीनों का भी प्लाटिंग करना उनका पेशा हो गया है, और ना ड्यूटी भी नहीं आते हैं, और आए दिन बस खाली नकल शाखा में या तहसील ऑफिस में नामांतर करवाते रहते हैं बस। आजकल ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है, उसका नकल तो आप ऑनलाइन से ही ले सकते हो, और जब तक वो अपना रिकॉर्ड रूम में जमा नहीं होगा तो यहाँ से नकल कहाँ से दिया जा सकता है। आप ऑनलाइन ले सकते हैं उसका, नहीं ऐसे कोई वो नहीं है कि दलाल है और इसको आज ही नकल दे दें, ऐसे नहीं है। उसमें टाइम लिमिट दिया जाता है कि इस तारीख तक